ये मेरे हस्बैंड थे। आपका बेटा? मेरा बेटा? हाँ, मेरा बेटा बता रहा था कि आपका बेटा भी क्रिकेट खेलता है। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? पर वो उसे बहुत प्यार करते थे, पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वो तड़पता रहा, पर ब्लड की शॉर्टेज की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और वो चला गया। अब कहीं भी ब्लड की जरूरत होती है तो ये चल पड़ते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम अनीता? अमन कहीं नहीं गया। मुझे हर उस बच्चे में अमन दिखता है जिसे ब्लड की जरूरत है, हर उस पेशेंट में अमन दिखता है जिसे ब्लड की जरूरत है, और खून की कमी की वजह से मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर रावल पिंडी काजी मोहम्मद सोएब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि स्पेशली यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और आज के इस विज़िट में उन्होंने वॉलंटियर V4 जो हमारी टीम है और इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि वॉलंटियर फोर्स की ये टीम है, तो इनकी इस काविश को क्या कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत ज़्यादा इसकी मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ जी अपनी इस पिंडी की यूथ को। ये 2-3 महीने से जब से ये कोविड आया है, ये मुसलसल कोई ना कोई मतलब अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन में भी, कोविड के उसमें इस जितना भी ये क्राइसिस आया है, और अब ये काम जो अब ये कर रहे हैं ब्लड डोनेशंस का, ये थैलेसीमिया का ख़ास तौर पर, ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स थे उनकी उनको ब्लड की कमी थी, और मतलब ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं ये इट्स कमेंडेबल जी। और मैं पिंडी के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके साथ जितना ज़्यादा तावन हो सकता है ये दें, ये जितसा नोबल काज जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, एंड आई सल्यूट फॉर देयर सर्विसेज एंड आई रियली अप्रिशिएट। आप ये बताएं कि ओवरऑल पाकिस्तान की वो सिचुएशन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं कि कोरोना वायरस को भगाने में किस हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। देखें, ये जो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है डिफरेंट एरियाज़ में, इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम अब जो कमिंग ईद है, मेरा ये पैगाम है पिंडी शहर के लोगों के लिए कि जिस तरीके से जितनी लापरवाही हमने छोटी ईद पे ईद उल फितर पे दिखाई है, अगर हम उससे रिपीट करेंगे तो ये इसी तरह बढ़ेगा। अगर हम अब थोड़ा सा इसको एहतियात करेंगे निकलने में, सोशल डिस्टेंसिंग में, मार्केट्स में जाने से, और स्मार्ट लॉकडाउंस की मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये मुसलसल इसमें पेशेंट्स की तादाद भी कम हो रही है, डेथ टॉल भी कम हो गया है, तो इंशाअल्लाह इसको हम बेहतर अंदाज में मैनेज करेंगे। लेकिन इसके लिए पब्लिक एट लार्ज की जो है वो हमें हेल्प ज़रूर चाहिए, कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर आप कहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन पब्लिक अगर एहतियात करेगी घरों से निकलने में, मार्केट्स में जाने में, तो इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा और ये कमी की तरफ जाएगा, बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा सर, ये वॉलंटियर की जो हमारे साथ वी फोर्स है, और माशाल्लाह मैं खुद भी इनके साथ वॉलंटियर मेंबर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोरोना वायरस के पहले से ये इंतज़ाम किए गए, और स्पेशली वॉलंटियर की एक बहुत बड़ी टीम जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है, और ये ऑलरेडी पूरे पिंडी में काम कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा बताएं कि इससे पहले नहीं थी ये, तो इससे बेहतरी आई है? डेफिनेटली बेहतरी आई है। पाकिस्तान में ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब आप फॉरेन में जब आप जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पे तो आपको यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देती है जब तक आप सोशल सर्विसेज नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी। अब जाहिर है एक नई चीज़ आई है, उसको अगर हम उसको 100% उस तरह करें कि ये 100% ठीक हो जाएंगे, यूथ है थोड़ा इनका ब्लड भी ज़्यादा है, मतलब जोश भी कभी कभी मारता है, लेकिन बेहतरी आई। बहुत शुक्रिया। दस्तों बाजू बने हुए हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे ये PM टाइगर फोर्स है, चाहे पिंडी की वी फोर्स है, चाहे ये मलिक साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूथ काम कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यूथ एक अच्छी सिमत में जा रहा है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बता दें, इससे पहले हम 2-2.5 महीने लॉकडाउन में भी गए, स्मार्ट लॉकडाउन था। अभी सर बहुत सारे कारोबारी हजरात वो चूंकि कह रहे हैं कि हमें जो है वो जो सैटरडे संडे है वो भी ऑफ है, तो कुछ को ये भी ख़तरा है कि दोबारा हम खुदा न खास्ता लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं या नहीं? हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हम खुदा न खास्ता दोबारा कोरोना की उस पीक पर ना पहुँच जाएँ। पहले दुकानें पक्की बंद थी, फिर दुकानें 5 दिन खुली, तो 5 दिनों में भी जो हम अल्लाह ने हमें रिस्क दिया हुआ है वो हमें 5 दिनों में मिलेगा। अगर हम
ये ईद के दिन गुजार लें इसी तरह, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सर एक तो नाज़रीन इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि काजी मोहम्मद सोएब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और वॉलंटियर जितनी भी हमारी यहाँ पर फोर्स है उनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। तो हम चाहते हैं कि वो ओवरऑल पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं, हम कोरोना वायरस की वबा से कैसे बच सकें। हज के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा करवाए थे, वो सारे पैसे रिटर्न हो गए। अब हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और जो डिज़र्विंग पीपल है, जो इस कोविड 19 में डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो गरीब फैमिली हैं, उनको सर क्या पैगाम देते हैं। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इस कास पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन मेरी और मैं सर से गुजारिश करूँगा कि वो सबको ये पैगाम दें कि वो आप वो जो अमानते हैं वो गरीब डिज़र्विंग को दें। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़रूर, बहुत अच्छी बात है जी। हमारा मज़हब भी इसी बात की तलकीन करता है। अगर और अब मैं समझता हूँ कि अगर किसी गरीब, किसी डिज़र्विंग आदमी का और किसी मुस्तहिक को हम वो पैसे दे देंगे जो हमने हज के लिए जाने थे, तो हमारा वो हज भी मकबूल होगा और मेरे ख्याल में ज़्यादा हजों का सवाब भी उस बंदे को ज़रूर मिलेगा। अल्लाह के हाँ मतलब इंसाफ है और वो इंसाफ वाली हस्ती है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हज का मकबूल हज का सवाब मिलेगा लोगों को जो किसी गरीब की मदद करेंगे। और दोबारा पैगाम यही है कि मेहरबानी करें, ईद के दिनों में घरों में रहें, मार्केटों में कम से कम आएँ, इज्तमाई कुर्बानी करें, मसाजिद में इसी तरह जिस तरह हमने रमज़ान में हमने इसको SOPs को ऑब्ज़र्व किया है, इसी तरह ईद की नमाज़ों में भी, बाकी दिनों में भी, नमाज के दौरान भी हम उसी तरह SOPs को ऑब्ज़र्व करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी हम इस बीमारी फोर्स की तमाम टीम के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद उनको ताकत दे कि वो इस नेक काम को जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन थैंक्स सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वी फोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ सैयद मोहम्मद रामेश शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से वी फोर्स ने ये ब्लड कैंप लगाया हुआ है। तो एक तो हम इनसे पूछते हैं कि वो कौन सा जज्बा था, क्योंकि इससे पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ इस तरह की वॉलंटियर की टीम नहीं थी, तो ये कैसा आइडिया था और ये आइडिया ये आपके दिमाग में कैसा आया और आपने इस पर इम्प्लीमेंट करवाई? और ऑलरेडी माशाल्लाह जब से कोरोना वायरस की वबा आई है, कोविड 19 को जो है आप मैनेज कर रहे हैं और तमाम अवामुल नास को वॉलंटियर जो है खिदमत पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत ऑब्वियस है, हर कोई इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि हमारे यहाँ पे एक गैप पाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में, तो हर कोई इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। यही चीज़ जाके एडमिनिस्ट्रेशन से जिक्र किया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को रियलाइज़ किया था कि मिलके जब हम किसी चीज़ों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे तो उसका जो है हमें इम्पेक्ट ज़्यादा होगा। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 महीने हो गए हमारी वर्किंग को, उसी को लेके हम चल रहे हैं। जो जो इश्यूज़ हमारे सामने आते जा रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी कोशिश है, हम उसके हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रिस्पांस अच्छा है, वॉलंटियर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत पोटेंशियल है हमारी पिंडी की यूथ के अंदर, हमारे ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर, बड़े जवान सब कोई, हर कोई हमारे साथ इसमें कोऑपरेट कर रहा है, तो बस इसी तरह से सिस्टम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल हमारे 14 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल, जिसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो कोविड की वजह से हम एज सच उनके ऊपर काम नहीं कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अभी हमारे बंद हैं, हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, तो हमारा जो ज़्यादातर फोकस इन रिसेंट मंथ्स में रहा है वो हमारा हेल्थ की एक्टिविटीज़ के ऊपर रहा है। अब एक ये कौन सा जज्बा था जो आपको, जिस जज्बे ने आपको मजबूर किया कि एक वी फोर्स टीम होनी चाहिए और वॉलंटियर काम होना चाहिए? देखें जी, कोई ख़ास ऐसा जज्बा नहीं है, हर किसी के अंदर ये जज्बा होता है, हर कोई चाहता है कि बेहतरी आनी चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लकीली हमें एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी मिली कि उन्होंने हमारे आइडिया को अप्रिशिएट किया और हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो ज़्यादा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है जो कोऑपरेट कर रही है। हमारा तो ऐसे जितना रोल नहीं है, तो हम तो चले अपनी वॉलंटियरली आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज़ को और थोड़ी बहुत हम सर्विसेज, लेकिन इसमें जो की रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। जिस तरह से वो सपोर्ट कर रही है ये पहले कभी देखने में नहीं आता, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आवाम के साथ इसी तरह तआवुन करे और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा हर जगह। अच्छा ये बताएं, आज का जो ये ब्लड कैंप लगाया गया है, इसका फीडबैक क्या आया अवामुल नास की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने हैं, आज एक वर्किंग डे था और हम सुबह से यहाँ हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आया हमने ओवरऑल देखा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, लाइफ सेवर ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं और
और वी फोर्स के जो है ये ब्लड के डिपार्टमेंट को ये मैनेज करते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हम जो वी फोर्स के थ्रू और लाइफ और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रेगुलर ब्लड डोनेशन की एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। अभी दोबारा से समय के बच्चों के लिए शॉर्टेज हो गई थी, पहले कुछ अर्सा बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा लोगों का, अभी दोबारा थोड़ी शॉर्टेज हो रही है जिसकी वजह से हमने दोबारा ये कैंप अरेंज किया है यहाँ पे, और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, टीम्स का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोग एहतियात करेंगे कुर्बानी की ईद पर, और आफ्टर ईद भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शॉर्टफॉल जो है फिलहाल स्वेयर कंडीशंस हैं ईद से पहले की, हम इन्हें किसी ना किसी तरीके से मैनेज करें दोस्तों से मिलके, टीम्स के साथ मिलकर, वॉलंटियर्स के साथ ही है। और हम सबको चाहिए इंसानियत की खिदमत करना, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप यहाँ पर आए और आपने ब्लड डोनेट किया? आई थिंक किसी भी रीज़न से पहले सबसे पहला रीज़न जो हमें मिलता है वो हमारा ईमान होता है, और इस्लाम जो हमें सिखाता है कि सदका जारिया करना चाहिए, और खून डोनेट करना भी मेरे नज़रिए के मुताबिक एक सदका जारिया है, और कोई भी रीज़न ढूंढने से पहले आई थिंक इंसान के लिए उसका ईमान एक रीज़न काफ़ी होता है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान आमिर है, मैं कॉमसिट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हमारी कोविड सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, तो लोग ब्लड डोनेट करते हुए कराते हैं, तो उसकी वजह से ये थैलेसेमिया पेशेंट्स को होता है कि हर थोड़े अरसे बाद उनको ब्लड चेंज होता है, और बड़ी शॉर्टेज हो रही थी, तो उसके तहत जब ये मैंने सुना कि बैंक कैंप लग रहे हैं वी फोर्स और लाइफ सेवर्स के अंडर, तो फिर मैंने कहा कि हमें भी जाके ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यंगस्टर्स हैं, हम ईजिली हर 3 to 4 months बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में फिर हमने यहाँ पर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को कॉल करके इनवाइट किया गया है। आप ये बताएं कि ये स्पेशली थैलेसेमिया के बच्चों के लिए है, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग लोग होते हैं जिनको एमरजेंसी सूरत में ब्लड चाहिए होता है और उनको ब्लड देने के लिए कोई नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है, लेकिन थैलेसेमिया के पेशेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में ऑलरेडी बड़ी सोसाइटीज़ है और एनजीओज़ है जो काम कर रही है ब्लड डोनेशन में, लेकिन कोविड की सिचुएशन में ऐसे था कि लोग हॉस्पिटल्स में जाने से घबरा रहे थे, तो इसका ये इन्होंने जो सोल्यूशन निकाला कि इन्होंने ऑफ साइड पे एक मॉल पे इन्होंने ब्लड डोनेशन का कैंप लगा लिया, जहाँ पर प्रॉपर मैंने देखा है कि एसओपीज और सोशल डिस्टेंसिस के साथ फॉलो करके उन्होंने ब्लड डोनेशन हमने डोनेट किया, जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम खुशनसीब हैं कि हमारे मुल्क में वो नौजवान हैं जो खिदमत का जज्बा रखते हैं, इंसानियत का जज्बा रखते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक मैसेज है कि ये ब्लड कैंप जो लगाया गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम स्टूडेंट्स को कॉल की गई है। स्टूडेंट हजरात से क्या अपील करेंगे आप? मेरी बेसिकली पूरी स्टूडेंट बॉडी, नॉट इवन रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, इन सबसे मेरी ये अपील है कि आप लोग भी पहला कदम उठाएँ, आप लोग भी आगे आएँ, सबको इनक्रेज किया जाए, दिस इज़ नॉट समथिंग नेगेटिव, इट इज़ अ पॉजिटिव एक्टिविटी, एंड आई थिंक ये हमारी जो मेडिकल सोसाइटीज़ हैं, हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, वो सारी इसके लिए इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, और अगर आज हम हेल्प नहीं करेंगे अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, तो कल कौन करेगा? 60% जो है यूथ है, तो यूथ इजीली ब्लड डोनेट कर सकती है, तो मैं अपने जो भाई बहन है, दोस्त है, उनको यही मशवरा दूंगा, बल्कि एडवाइस करूंगा कि वो भी ब्लड आए डोनेट करे, सो डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। नाम कमर हसन शिगरी है, मैं तंजीम नौजवान अमन रावलपिंडी के मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो आज हमें ये थैलेसीमिया का जो एक कैंप लगा था उसके लिए हमें इन्वाइट किया गया था, तो हम इस पर आए, हमने विज़िट किया, हमें बड़ा अच्छा लगा, और उसके अलावा हम खुद तंजीम एक गिलगित बल्तिस्तान से हम बिलोंग करते हैं, हमारा तंजीम का माशाल्लाह हमारे साल में 3 to 4 कैंप लगते हैं सालाना, तमाम मेडिकल शोबे के तमाम डॉक्टर्स को हम उस पर इन्वाइट करते हैं, एक हमारी आगा मकबूल फ्री डिस्पेंसरी असगर माल में फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आज कैंप लगाया गया है ये स्पेशली COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से लगाया गया है या इसका कोई और भी मकसद? नहीं, इसका मकसद तो देखें ये COVID-19 के अलावा भी फिर इसका मकसद एक ये भी है कि थोड़ा सा ये थैलेसीमिया के आजकल जो बच्चों के हवाले से या जो भी है उसके लिए ये एक अच्छा एक इनका इकदाम था कि ये होना चाहिए, और इसकी आजकल जो रिक्वायरमेंट है ब्लड कलेक्शन की, ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था सर। तो ये बताएं कि इससे पहले हमने इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी थी, एनजीओस थी, बहुत सारी एनजीओस हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रही थी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर जनाब अनवारुल हक साहब ने इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया वी फोर्स की वॉलंटियर टीम का, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? सर मैं बड़ा खुश हूँ अनवार साहब जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये जो प्रोग्राम किया, और आज उसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यहाँ पे विज़िट भी किया, और ये COVID-19 के साथ साथ ये थैलेसीमिया का जो एक प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे तमाम एनजीओ जितने भी पाकिस्तान पिंडी रावलपिंडी के डिवीज़न के जितने भी एनजीओ हैं उसने इसमें बराबर उन्होंने कोऑपरेशन किया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये होना भी चाहिए सर,
और ये बड़े अच्छा है कि इस हवाले से कोविड 19 के हवाले से भी। मेरा नाम अली काजिम है और मैं तंजीम नौजवान अमल के प्रेस सेक्रेटरी भी हूँ और हेल्थ प्रोजेक्ट के चेयरमैन भी हूँ। तो जैसा कि आज हमने यहाँ पे विज़िट किया, हमें खुशी तौर पर इनवाइट किया गया था, तो हमने आके देखा माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट रहा और इसमें माशाल्लाह बहुत सारे यंग जो ब्लड है उन्होंने यहाँ पे आके ब्लड दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये क्वांटिटी कितनी कितने लोग आए हैं जिन्होंने ब्लड जो है डोनेट किया? ये तो अभी फ़िलहाल कह नहीं सकता क्योंकि सुबह 11 बजे से जो है जारी है और मुसलसल जो है ना वॉलंटियर्स आ गए यहाँ पर ब्लड देते जा रहे हैं। ये तो आखिर में जब कलेक्शन करेंगे तो फिर हमारे पास डेटा आएगा क्या है। तो बेसिकली ये देखिए, ये काम बहुत अच्छा इकदाम है, हमें जो है ना इस तरह के इवेंट हर वीकली मेरे ख्याल में होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि ज़रूरी नहीं सिर्फ थैलेसेमिया के अलावा बहुत से इमरजेंसीज ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी जगह पर ब्लास्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम, जिस तरह कराची में जहाज़ का क्रैश हो गया, तो उस मौके पर बहुत से ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी कास के लिए। जी, इमरजेंसी के मौके पर जो है ना ब्लड की जो शॉर्टेज पड़ जाती है, उसके लिए ये जो काम है, ये जो ब्लड कैंप्स है, इनको हर वीकली होना चाहिए। जो कमिश्नर अनवारुल हक साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसकी अप्रिशिएट करेंगे। इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना हर वक्त इनके साथ खड़े हैं और जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेंगे इंशाल्लाह तंजीम नौजवान अमल कमिश्नर रावलपिंडी के साथ हमेशा सी सप्लाई दीवार की मानन के साथ रहेंगे। दोस्त हैं जो आपके हम एज हैं उनको तो आप कॉल करके बुला, तो आपने ख़ुद कितनी मरतबा ब्लड डोनेट किया? मैंने एक दफ़ा डोनेट किया है अपना ब्लड अच्छे लोगों के लिए, जब ज़रूरत थी यहाँ पे उन्होंने मुझे कॉल कर दी तो मैं आया यहाँ पर, मैंने ब्लड डोनेट किया जी। तो मैं अपने बाकी दोस्तों से भी कहूँगा कि मज़ीद इस तरह अगर किसी की ज़रूरत वो पूरी कर सकते तो उनको चाहिए ये काम करें, इसका सिला तो हमें अल्लाह से लेना है इंशाल्लाह। ये काम करके हमें दुनिया में भी बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है, सुकून की नींद आती है इंसान को जब भी। आपने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया तो क्या कोई ऐसी फीलिंग थी कि पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा, कोई वीकनेस हो जाएगी, किसी कोई हालत तो नहीं हुई? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा वीकनेस फील नहीं, बस एक जूस पिया तो बस उसके बाद मेरा सारा शुगर लेवल जो सारा दूसरे मेरे लेवल से बॉडी के सारे लेवल हो गए। इनको वालिदैन ने वो तरबियत दी है खिदमत की, तो माशाल्लाह इनकी एज भी यही तकरीबन बहुत ज़्यादा 18-19 है और इनके जज्बे को हम पूरी कौम सलाम करते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसलिए हम वी फोर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज जो है ये कैंप लगाया और इस कैंप लगाने का मकसद यह है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्प पहुंचाई जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। फरहाद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।